ये देखो हमारा पानी पूरी अब फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। देखो ये आप लोगों को बताया था ना, ये कप सूजी से सिर्फ मैं आज बनाया हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया एकदम ज़बरदस्त फूल रहा है। ये देखो ये कैसा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ये पपड़ी नहीं है, अगर ऐसा आप लोग भी सोच रहे हैं, अभी देखो ये कितना बढ़िया फूलेगा। अभी देखो ये एकदम ज़बरदस्त, ये तरीका जो है ना ऐसा ना। दोस्तों क्या आप भी बनाना चाहते हैं पानी पूरी, गोलगप्पा, पानी पतासा, एक कप आटे और सूजी से एकदम ढेर सारे पूरे परिवार के लिए पानी पूरी? तो ये देखो ये हमारा तरीका जो है एकदम पुली पुली क्रिस्पी क्रंची एकदम जबरदस्त, ऐसा आप भी सोच रहे हैं तो आपका भी बनेगा। सिर्फ आप लोग ये हिसाब से बनाओ ताकि आपका भी बने एकदम जबरदस्त। दोस्तों जो मैं तरीका आप लोगों को बताया हूँ, सिर्फ एक कप एक कटोरी अगर आपके पास है और एक कटोरी से बनाएंगे कम से कम पूरा परिवार तो खा के नहीं खत्म कर पाएंगे। हकीकत बता रहा हूँ, आप लोग बहुत ही आसानी से बना लेंगे। बहुत जबरदस्त तरीका मैं बताया हूँ, एकदम रोड जैसा, अगर आप लोग सोच रहे हैं बाजार जैसा, बहुत आसानी से बना लेंगे। चलो मैं बनाना शुरू करता हूँ। स्पेशली जो लोग भी सोच रहे हैं सीखने के लिए पानी पूरी, गोलगप्पा, पानी पतासा बनता कैसे है, तो स्पेशल आज उनके लिए ये वीडियो देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, कि आपका इसमें देखो ना ज़्यादा सूजी लाना है ना ज़्यादा पैसे लगाना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक से डेढ़ कटोरी ये हमारा सूजी है और ये हमारा खाने का सोडा है और ये हमारा आप लोग देख सकते हैं ये गेहूँ का आटा है, ये हमारा गेहूं का आटा है और दूसरा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं मुश्किल से हमारा 10 से 15 रुपए में बन के तैयार होगा और आप लोग भी ऐसा बिल्कुल एकदम आसानी से ही बना लेंगे। जो तरीका मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ जैसा एकदम सेम बाजार वाला पानी पूरी गोलगप्पा एकदम फुली फुली क्रिस्पी क्रंची। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं पानी गोलगप्पे एकदम क्रिस्पी क्रंची बनाना, तो बिल्कुल एकदम बहुत ही सरल बहुत आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये है हमारा एक प्लेट और ये कटोरी। सिर्फ इससे मुश्किल से मैं आज आप लोगों को सिर्फ 10 से 15 रुपए में बताऊंगा ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से बनाओ और एकदम बढ़िया से एकदम जबरदस्त। देखो सबसे पहले सिर्फ एक से डेढ़ कटोरी में ही आज बनाऊंगा मैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये स्पेशली जो लोग भी सोच रहे हैं घर पे बनाने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा बनाते हैं तो थोड़ी परेशानी हो जाती है और ये अगर थोड़ा सा बनाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये आप लोग अगर देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा सिर्फ एक कटोरी है, ये कटोरी सूजी है हमारा और उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे एक मुश्किल से 20 से 30 ग्राम। अभी हमारा देखो इसमें थोड़ा सा हम बिल्कुल हल्का सा 15 से 20 ग्राम गेहूं का आटा मिलाना है। ये हम सूजी और आटे का बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इसमें देखो मुश्किल से 20 से 30 ग्राम है और ये हो गया हमारा आटा। और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल एकदम एक चुटकी सिर्फ लेना है ये अपना खाने का सोडा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। मैं पहले भी बताया हूँ आज भी बता रहा हूँ, कभी भी इसको बिल्कुल एकदम नाम बहुत ही हल्का जितना समझ में आए उतना उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलाना। अब क्या करना है देखो एकदम अच्छे से इसको मिला लेना है, बढ़िया से मिलाने के बाद ये हिसाब से अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद एकदम नॉर्मल पानी से इसका आटा लगा लेना है। सबसे ज़्यादा खास बात जो भी है गोलगप्पा बनाने में, आप लोग क्या करते हैं कि जैसे जब ये मिलाओ ना तो ध्यान से हर चीज़ सिर्फ यही चीज़ रहे गेहूं, सूजी और अपना ये खाने का सोडा। अगर ये तीन चीज़ है गेहूं का आटा, सूजी और अपना खाने का सोडा, ये तीन चीज़ है तो आपका गोलगप्पा बिल्कुल बन जाएगा एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त। बाकी जो तरीका मैं बताऊँगा ऑल टोटल अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो समझो परफेक्ट ही बनेगा। आप लोग देखो अभी ये मिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से इसका ये हिसाब से आटा लगा लेंगे। ये सिर्फ मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से ताकि ना ज़्यादा मेहनत लगे और ना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, बिल्कुल आसानी से आप लोग बना लो ये हिसाब से। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि टेंशन ही ना रहे कि मतलब हमारा नुकसान होगा या कुछ। मुश्किल से 10 से 10 रुपये का सूजी है हमारा पे एकदम पूरा राइट 10 रुपये का सूजी है, आटा तो हर घर में मिल जाएगा। अब इसमें आप लोग अगर नहीं सीख पाए तो फिर इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ मैं। ये हो गया हमारा आटा लगाने का तरीका कुछ ऐसा, ये हिसाब से इसका हम पहले आटा लगा लेंगे। अब ये हिसाब से देखो और आटा भी लगाना है तो आप लोगों को कभी भी मैं पहले भी बताया हूँ इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मसलना है,
ये 10 रुपए के आटे में मेरा अनुमान कम से कम है, एक मोटा मोटा 100-125 पूरी कम से कम बनेगा मेरे हिसाब से। और मैं आप लोगों को लगे तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, गिन के एकदम एकदम लाइव बताऊंगा कि मतलब हाँ कितना बनेगा और कितना बना है। ये हिसाब से देखो अब हम इसका आटा लगा लेंगे और ज़्यादा देर नहीं लगाना है। देखो मुश्किल से 1 मिनट हुआ है। अब ये हिसाब से अभी हमारा एकदम परफेक्ट आटा लग के हो गया रेडी। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आटा एकदम परफेक्ट रेडी हो गया। अब इसको हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि हमारा सूजी जो है ना अच्छे से फूल जाए, उसके बाद ही इसका हम बनाएंगे पेड़ा। अगर मेरा तरीके से अगर आप लोग बना लिए ना तो आपका एकदम परफेक्ट एकदम गोलगप्पे वाले जैसा, अगर नहीं बना तो फिर कमेंट में बताना कि हाँ मेरा नहीं बना है। ये देखो थोड़ी देर रखने के बाद अब क्या करना है, इसको करीब एक पॉलीथीन में से अब इसको निकालेंगे बाहर, और निकाल के हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि हमारा जो है पेड़ा बनाने के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाए। ये हिसाब से हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे फटाफट। और ये हिसाब से ऐसा नहीं, आप लोग सोचते होंगे कि इसको बहुत ज़्यादा देर तक मसलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तो फिर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको ज़्यादा देर कुछ नहीं करना और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना। ये सोचो कि बहुत ज़्यादा हम मेहनत से बनाएंगे तो आप बहुत बढ़िया बनेगा, तो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा खराब बनेगा। सिर्फ एक बार आप लोग समझ जाएंगे ना तो हाँ बहुत ही आसानी से बना लेंगे। देखो सब अभी 1 मिनट नहीं, 50 सेकंड में आपका देखो मसल के भी हो गया, ये हमारा पेड़ा काटने के लिए भी एकदम ये हो गया रेडी। अब देखो ये हिसाब से ये ऐसा 2-3 टुकड़े में इसको काट लेंगे ताकि इससे पेड़ा हमारा एकदम आसानी से और अच्छे से बने। और ख़ास बात मैं जो भी है आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग कभी भी ऐसा इसको इसमें ही रखें, पॉलीथीन से बाहर बिल्कुल ना रखें। अगर पॉलीथीन से बाहर रखेंगे तो वही है ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण। ये हिसाब से देखो इसको लंबा करना है, लंबा करने के बाद ये हमारा एकदम पेड़ा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा, एकदम रेडी। देखो ये अभी 1.5 मिनट नहीं हुआ है, 1.5 मिनट में ये हमारा पूरा मसल के पेड़ा बनाना शुरू भी हो गया है। अब देखो ये हमारा पेड़े का साइज है, ये हमारा 5 ग्राम का पेड़ा है, और ये 5 ग्राम का पेड़ा एकदम रेगुलर साइज है, जो आप लोग खाते होंगे गाड़े पे ठेले पे अच्छे अच्छे की मतलब हाँ फूले फूले एकदम, तो सेम वैसा ही बनेगा ये हमारा 5 ग्राम का साइज। अब ये हिसाब से हम इसका कटिंग कर लेंगे पहले, उसके बाद फिर इसको बेलना है, और बेलना कैसे और रखना कैसे है वो भी A to Z मैं आप लोगों को बताऊंगा, एकदम जैसा मैं खुद बनाता हूं ऐसा ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से बनाओ और एकदम परफेक्ट बनाओ। अब ये आप लोग देखो ये हमारा पेड़ा, ये जो मैं आप लोगों को दिखाया था, देखो कितना सारा पेड़ा बना है। मैं पहले ही बताया था 100 से 125 पूरी कम से कम बनेगा। अब ये हिसाब से हमारा पेड़ा बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये गेहूं का आटा जो हमारा है, ये गेहूं का आटा यही बिल्कुल ये 10 ग्राम लेना है, और उसके बाद ये हिसाब से देखो इतना ही लेना है, ये 5 ग्राम भी नहीं है। अब ये हिसाब से देखो हल्का सा ऐसा मार के ये हिसाब से देखो मिला देना है। ये मिलाने से अब ये हमारा एकदम बेलने के लिए परफेक्ट एकदम हो गया रेडी हमारा। ये है हमारा तरीका कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे ऐसा बाहर, बाहर निकाल के अब देखो ये हमारा पेड़ा एकदम बेलने के लिए परफेक्ट एकदम ज़बरदस्त हो गया रेडी। अब इसको हम चलो बेलेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोग बिल्कुल एकदम आसानी से बनाओ और ज़बरदस्त मेरे तरीके से एकदम। अब देखो हमारा बेलना शुरू हो चुका है, ये देखो पेड़ा हमारा जो बना था। अब ऐसा थोड़ा थोड़ा लेंगे और अलग अलग ऐसा अब इसको हम बेलेंगे, और बेलने का तरीका आप लोग देख सकते हैं हम लोग बेलते कैसा है वो भी आप लोगों के सामने है। अगर आप भी रियल में पानीपुरी वाले से सीखना चाहते हैं कि मतलब हाँ पानीपुरी वाले जैसा बनाऊं, तो ये है पानीपुरी वाले का असली तरीका, और ये तरीके से अगर आप लोग बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बनेगा। अब देख लो आप लोग देख सकते हैं हमारा बेलने का तरीका, हमारा पीढ़ा, हमारा बेलन जो भी है अब आप लोगों के सामने है। अगर ये हिसाब से एक बार अगर बना लिए ना
तो बहुत ही आसानी से और बहुत जबरदस्त तरीके से आप बना लेंगे, मैं पूरे गारंटी पूरे दावे के साथ कहता हूँ। जो भी है, जो मैं पहले बताया था ना कि मतलब जब आप लोग एक साइज का पेड़ा बनाएंगे तो एक साइज का ही पानी पूरी आपका, अब देखो ये जो खाते होंगे आप लोग ठेले और रेड़ी के ऊपर, सेम वो साइज का है। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, जब ये फूलेगा फिर समझ में आएगा कि मतलब हाँ क्या चीज़ है और कैसे बना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, और इससे अगर आप लोग यही पेड़ा अगर थोड़ा भी बड़ा कर दिए ना, जैसे 7 ग्राम 8 ग्राम का कर दिए, तो ये फूलने के बाद आपके मुँह में ही नहीं जाएगा। मैं ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर ये 8 ग्राम का कर दिए तो आपके मुंह में ही नहीं जाएगा, एकदम बहुबली पानी पूरी बन जाएगा। इसलिए कभी भी 5 ग्राम का अगर आप पेड़ा बनाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट, एकदम रेगुलर जैसा खाते होंगे सेम वैसा ही बनेगा। कुछ हमारा देखो तरीका कुछ ऐसा है, ये हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं और यही हमारा असली तरीका है। अब इसको मैं आप लोगों को अभी फ्राई करके भी दिखाऊँगा कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, कमेंट में आप लोग खुद बताना हाँ सही बना है कि गलत बना है। ये है हमारा तरीका है। ये देखो हमारा पानी पूरी अब फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। देखो ये आप लोगों को बताया था ना, ये कप सूजी से सिर्फ मैं आज बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया एकदम ज़बरदस्त फूल रहा है। ये देखो ये कैसा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। एक पपड़ी नहीं है, अगर ऐसा आप लोग भी सोच रहे हैं, अभी देखो ये कितना बढ़िया फूलेगा, अभी देखो ये एकदम ज़बरदस्त। ये तरीका जो है ना, ऐसा ना कोई भी नहीं बताएंगे, जो तरीका मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, बहुत ही ज़बरदस्त एकदम बहुत आसान। ये देखो कैसा फूला एकदम ज़बरदस्त। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप लोग ये हिसाब से बनाएंगे, अगर हकीकत में आप लोग एक बार ये सिर्फ एक बार ये हिसाब से अगर बना लिए ना तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे एकदम ज़बरदस्त। देखो और ये हमारा, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ जो हमारा रखने का तरीका है, वो भी देखो यहाँ से और उधर फ्राई होके निकल रहा है, और इधर देखो ये हमारा रखने का तरीका कुछ ऐसा है। देखो यहाँ से सिर्फ उठाओ और देखेंगे तो साइज अब एक साइज ही दिखेगा, जो मैं आप लोगों को बताया था। अगर पेड़ा अगर आपका थोड़ा भी बड़ा होगा ना तो हकीकत में मुंह में नहीं जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ उधर से, ये इधर से देखो ये, अब ये देखो इसका साइज, अभी गर्म है, अब इसका साइज देखो है कितना बढ़िया है। अब इससे अगर थोड़ा भी बड़ा अगर हो गया तो ये मुंह में सही नहीं जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आप लोग सोचो तो ये हिसाब से अगर बनाओ बिल्कुल एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त, बहुत ही आसानी से आपका भी बनेगा। और आप लोग देख सकते हैं हमारा पूरा सिस्टम कैसा है, हम लोग कैसे करते हैं, ऑल टोटल A to Z मुझे जो भी मालूम है ये बताया हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग भी बिल्कुल आसानी से बनाओ और घर बैठे सीख जाओ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।